पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ज्ञानेन्द्रियां। हमारी ज्ञानेन्द्रियां कौन कौन सी थी, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। आँख, और समझे आपका हाथ है, ठीक है। ये वाली जो ज्ञानेन्द्रिय है ये क्या काम करती है? देखती है। दूसरी सुनने का, त्वचा का, ये तो सब आपको पता है। अब जब आंख जो देखने का काम करती है तो आंख से क्या होता है, ये जितनी भी ज्ञानेन्द्रियां हैं उनके से एक आपकी वो होती है नर्व, वो सीधी पहुंचती है ब्रेन तक। समझिए कि जैसे मशीन की तारें होती हैं, ठीक है, तो वो एक तार से दूसरी वहां मोटर से जुड़ी होती है ना, तब मशीन चलती है। उसी तरह से इन सब की तारें कहाँ जुड़ी हैं, आपके मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में ये आंख ने जो कुछ देखा उसकी सीधी फोटो मस्तिष्क में जाती है, फिर मस्तिष्क उसको बताता है कि ये चीज है। अगर हम देख रहे हैं तो ये निशी है, ये चेयर है, ये टेबल है, ये क्लासरूम है, आंटी है, और फिर वो तुरंत दूसरी तार से वही मैसेज आपको, संदेश वापस आपको मिलता है। तो आपको समझ आती है कि ये चीज मुझे दिख रही है, अगर मैं चल रही हूँ और रास्ते में ये चीज है तो मस्तिष्क का तुरंत एक संदेश आता है कि आप इधर से हटके चलिए, ठीक है। जब कान आपके सुनते हैं तो कई बार आपको, जैसे रात को आप सोते हैं, आप तो अंधेरे में कई चीजें देख नहीं सकती, पर कई बार आप कानों से सुनकर पता लगा लेते हैं। कई आवाजों को सुन के हम पहचानते हैं कि क्या चीज हो सकती है। अगर कमरे में बैठे हैं और कहीं कुछ गिरा तो तुरंत आपको पता चलता है कि कुछ गिरा है, और क्या गिरा है वो भी आप अंदाज लगा लेते हैं कि क्या गिरा होगा, है ना। कानों से सुनकर आप चीज का पता लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि ये चीज वो हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज आती है नाक। क्या काम करती है आपकी नाक? सूंघने का। कई चीजें आप सूंघ के पता लगा सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको सर्दी हो गई है और आपको उसकी गंध नहीं आ रही, या आपकी नाक की वो शक्ति कम हो जाती है अगर आपको सर्दी हो रही हो, या आपकी नाक में वो सब भरी हुई हो, सर्दी से जो बलगम भर जाती है, नाक बंद हो जाती है, और तो आपकी सूंघने की शक्ति बहुत ही कम हो जाती है, तो क्या आपको उस वक्त खाने में स्वाद आता है? क्योंकि आपकी जो ये जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स होती है ना, जिनसे स्वाद पता चलता है, वो और आपकी जो नाक की गंध वाली जो नर्व्स है, वो दोनों आपस में पीछे से जुड़ी हुई है। जैसे ही खाने की खुशबू आती है मुंह में पानी आता है, आता है, क्योंकि अभी तो आपने मुंह पर कुछ रखा ही नहीं, पर पानी क्यों आ गया, आता है या नहीं? घर में घुसते ही कभी खाने की खुशबू आई, क्या हाँ आज तो मम्मी ने ये बनाया, या कहीं आप निकल रहे हैं चाट बन रही है, तुरंत मुंह में पानी आता है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो नाक की सूंघने की शक्ति है, वो जो गंध वाली जो नर्व्स हैं वो, और जो टेस्ट वाली नर्व्स हैं, वो दोनों पीछे जुड़ी हुई हैं, दोनों एक साथ काम करती हैं। तो जब आपकी नाक बंद हो जाती है तो आपको खाने में स्वाद नहीं आता, खाना तो वही है पर आपको स्वाद नहीं लगेगा, समझ गए। तीसरी आपकी चीज है त्वचा, और त्वचा से आपको क्या पता चलता है? गरम, ठंडा, कड़ा, नरम, और आपकी त्वचा करती क्या है, यह आपके पूरे शरीर की रक्षा करती है, आपके जो अंदर अंग हैं उनको लपेट कर रक्षा करती है। जैसे आप लोग रजाई लपेट लेते हैं, स्वेटर लपेट लेते हैं, कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? आप अपनी त्वचा की रक्षा करते हैं ना, और त्वचा आपके अंदर के अंगों की रक्षा करती है। अगर त्वचा में कुछ हो जाता है,
अगर समझो कई बार ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वहां की त्वचा काम नहीं करती। सपोज हाथ में, अगर हमारे हाथ सुन्न हो गए, अब मुझे इस हाथ में अगर कोई ठंडा गर्म कुछ भी लगाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा, चाहे कोई सुई भी चुभो तो नहीं पता चलेगा, दर्द नहीं होगा। दर्द का एहसास भी तो आपको त्वचा से ही होता है। और अगर यहाँ दर्द नहीं हो रहा, किसी ने सुई चुभाई और मुझे दर्द नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर त्वचा की वो महसूस करने की शक्ति खत्म हो गई है। तो क्या ये ठीक बात है? नहीं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि मेरी उन चीजों को, हाथ को या जहां की भी त्वचा में वो शक्ति नहीं है, वहां नुकसान हो सकता है। हो सकता है वो कोई चोट लग जाए या कभी जल जाए, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने कोई गरम गरम चीज पकड़ी या आग के ऊपर किसी ने कभी हाथ रखा या किसी जानवर ने काटा, तो मुझे तो पता नहीं चलेगा, पर वो त्वचा तो वहां से निकल गई। अब त्वचा अगर निकल जाती है तो अंदर की आपका खून, हड्डियां सब दिखने लगती है, और उनमें अगर ठीक से वो नहीं किया गया इलाज या पट्टी वट्टी नहीं बांधी गई तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी चीज खराब होती है। कोढ़ नाम सुना है आपने? कोढ़ क्या होता है? उसमें भी यही होता है कि त्वचा की आपकी किसी भी जगह से महसूस करने वाली शक्ति खत्म हो जाती है, और फिर वो धीरे धीरे वो अंग आपका काम नहीं करता उतना। जैसे उंगलियां सुन्न हो गई, अब उंगलियों में पता ही नहीं चल रहा कि ठंडा है या गर्म है या किसी को छुआ तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। अंधेरे में आप चलते हैं तो आप ऐसे ऐसे करके छूते, पता चल जाता है ये टेबल है, ये चेयर है चलते वक्त। तो जब हमें पता ही नहीं चल रहा तो वो उंगली धीरे 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 सुन्न हो गई और धीरे 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 वो गिर जाती है कोढ़ में। कई कोढ़ इस तरह के होते हैं कि उंगलियां गिर जाती है, फिर वो गोल 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 गोल, देखे आपने कईयों के हाथ उस तरह से हो जाते हैं, क्योंकि वो अंग काम नहीं कर रहा होता। तो इसलिए ये सारी ज्ञानेंद्रियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं, और हर ज्ञानेंद्री अपना अपना काम करती है और एक दूसरे की सहायता करती है। कई बार आपकी एक ज्ञानेंद्री अगर नहीं काम करी तो दूसरी वो पूरा काम संभालने की कोशिश करती है। करती है या नहीं? जिनकी आंखें नहीं होती, आपको बताया था तब हमने कि वो कैसे पढ़ते हैं, छू छू कर पढ़ते हैं, उनकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, सूंघकर पता लगा लेते हैं। और जिनके जिनको सुनाई नहीं देता, आपने कई बच्चे देखे होंगे जिनको सुनाई नहीं देता, और जिनको सुनाई नहीं देता वो क्या ठीक से बोल पाते हैं? क्यों नहीं बोल पाते? तो भाई आप सुनने की और बोलने की तो चीजें अलग अलग है, आप मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप सुनते नहीं तो आप बोल भी नहीं पाते ठीक से? क्या आप कान से बोलते हैं? तो फिर सोचिए, जो बच्चा सुन नहीं पाता तो वो अक्षर को तो सुन ही नहीं पा रहा, तो उसको अक्षर वो कैसे बोलना है, वो बात कैसे करनी है, वो सीख नहीं पाता। आप सुनते हैं तभी तो सीखते हैं। अब आप जब इस स्कूल में नहीं आए थे तो क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती थी? नहीं। अब आपने सुन सुन के सीखी, आप सुनते हैं, आप देखते हैं, और तब आप उसको बोलने की कोशिश करते हैं। अब समझिए, आपके कान बंद हैं, आप अपने कानों में उंगली डालिए, बिल्कुल कस के बंद कर लीजिए एकदम। अब मैं जो बोल रही हूँ आप बताइएगा मुझे क्या बोल रही हूँ। There was a king in the loneliest town. निकालिए उंगली, क्या बोला मैंने? कुछ आप लिप मूवमेंट से पता लगा सकते हैं? धीरे धीरे अगर मैं बोलूं तो आप तब भी समझ पाएंगे? उंगली डालिए कान में और कोशिश करिए कि मैं क्या बोल रही हूँ वो आप समझ सकते हैं। आप बताइए। वेरी गुड, देयर वॉज अ किंग। ठीक है, इसका मतलब कि कान आपके काम नहीं कर रहे तो फिर आप आंखों से देख रहे हैं, ठीक है ना? तो अगर एक ज्ञानेंद्री आपकी काम नहीं करती तो आप दूसरी ज्ञानेंद्री को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, करते हैं? ठीक है। अब देखिए, अगर समझिए, आपने ये देखा कि अगर आंखें नहीं हो तो मुश्किल होती है, आपको छू छू के करना पड़ता है। अगर आपके कान काम नहीं कर रहे होते तो आपको आंखों से देख देख कर सुनना पड़ता है और सब कुछ वो करना पड़ता है उस तरीके सब का। अगर नाक काम नहीं कर रही होती या तो क्या होता है?
नाक अगर आपकी काम नहीं करे तो एक तो आपको भोजन में स्वाद नहीं आएगा और क्या नहीं होगा, कोई चीज खराब है या सही है। बिल्कुल सही बोला, कभी कभी खाना सड़ जाता है पड़े पड़े और उसमें से गंध आने लगती है, तो वो जब गंध आपको तो पता ही नहीं चल रहा तो आपको कैसे पता चलेगा। और जब आप खाएंगे हो सकता है कई बार आपको खाने में नहीं पता चलता है और आप खा जाएंगे उसको, तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, और क्या चीज हो सकती है। कई बार आपको आपकी नाक खतरों से बचाती है, कैसे, एक तो गैस और आप बैठे हैं और कुछ दुर्घटना होने वाली है, क्या हो सकता है, तो फिर छींक, छींक से क्या दुर्घटना थोड़ी हो जाती है। क्या ऐसी चीज होती है जो आपको नाक से एकदम से पता चलती है, जलने की बू, आपको एकदम से पता चलता है कि कहीं कुछ जल रहा है और आप एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं, होते आप घूम के जल्दी से घर में देखते हैं कि कहीं हमारी गैस तो खुली नहीं रहेगी, कहीं खाना तो नहीं जल गया, कहीं कुछ कौन जला रहा है, कभी लोग टायर जलाते हैं बाहर कितनी बदबू आती है, आप तुरंत निकल के देखते हैं कहीं तार जलती है तो उसकी बदबू अलग होती है, तुरंत आप घर में चेक करते हैं कि क्या जल रहा है, क्योंकि जलने की दुर्घटनाएं कैसी होती हैं, बहुत खराब होती हैं, तो नाक कितना बचाती है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब कि नाक कितनी जरूरी चीज है और इन सब चीजों की आपको बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अच्छा, अब हम देखो निशी को लेके आते हैं। अब निशी की हमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, पहले आप गौर करिए कि निशी चलेगी कैसे, कैसे चलती है अगर आंखों पे पट्टी बंधी हो तो। आओ निशी, तुम्हें सीधा सीधा जाना है, चलो चलो ब्लैक बोर्ड तक आओ, आ गई ब्लैक बोर्ड तक। अब निशी कैसे पहुंची, किस चीज का उसने सहारा लिया, हाथ का, तो मतलब किसका लिया, त्वचा का, त्वचा का सहारा लिया। अब निशी आप यहाँ खड़ी हैं, तो आप एक मिनट अपनी चेयर दे दो, आप अपना बेटा एक शू और सॉक्स उतार दो। अब निशी तुम मुझे सुन के बताओ कि तुम्हें क्या, किस चीज की आवाज आ रही है, क्या हो सकता है, कागज, क्या कागज फटने की आवाज आई, कुछ आवाज आई, क्या माचिस जलने की आवाज आई, कुछ पता चला, क्या अगरबत्ती, क्या हुआ, कैसे पता चला, आवाज तो नहीं आती अगरबत्ती की, कैसे सूंघ कर पता चला क्या कि अगरबत्ती जल रही। अब आओ समझो कि आपको हम किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां आप अंदर गए, सीढ़ियां चढ़ी आपने, अब वहां आपको ये अगरबत्ती की खुशबू आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, खुशबू, खुशबू नहीं, क्या आ रही है, आई खुशबू। अब ये खुशबू आ रही है और वहां अंदर आपको घंटी की आवाज आ रही है, आप क्या सोच सकते हैं कौन सी जगह हो सकती है वहां, जहां आपको अंदर खुशबू आ रही है, हल्की हल्की घंटी की आवाज आ रही है, क्या सोच सकते हैं, क्या जगह हो सकती है, कोई ऐसी जगह होती है जहां पर घंटी की आवाज आती है, मंदिर। अब आप किसी ऐसी जगह गई हैं जहां आपको खुशबू तो आ रही है पर घंटी की आवाज नहीं आ रही, पर आपको कुछ महसूस हो रहा है, जोर से आवाज आ रही है, अल्लाह तो मस्जिद है, ठीक है, तो ये आपने कैसे पता करा,
सुनकर और देख कहाँ सकती है वो सुनकर पता चला, ठीक है। अब आप अपने घर में रहे, घर पर है, ठीक है। अब आप चल रही हैं, अब चल के आप बताइए आपका फर्श कैसा है? चिकना है। चलो आगे चलो, क्या है? पानी, पानी पड़ा हुआ है। कैसे उसे पता चला? त्वचा से। आगे चलो, चलती जाओ, क्या है? बालू पड़ी हुई है, इसका मतलब घर साफ नहीं हुआ। चलो आगे चलो, क्या पड़ा हुआ है? मिट्टी, गिट्टी। आपको कैसा लग रहा है पैर में? आराम है, नरम नरम है, कैसा लग रहा है? ठोस है और आराम, अच्छा लगता है इस पर चलना। क्या हो रहा है? चुभ रहा है, तो इसका मतलब इसको पैर में क्या हो रहा है? वो चुभ रहा है, तो वो महसूस कर रही है कि वो दर्द है उसको, ठीक है ना। तो ये किससे पता चल रहा है उसको? त्वचा से। अब वो बैठी है, काम कर रही है, ठीक है, ये बैठी है काम कर रही है। और यहाँ पर अब आप अपनी आंख खोल दीजिए और सीधे यूं बैठिए, ठीक है। अब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, पर आप ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, थोड़ी देर। ये पकड़िए, पीछे नहीं मुड़ के देखना, सीधे बस ऐसे ही रहना। हम बात कर रहे थे कि हमें अपने इन अंगों की रक्षा कैसे करनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज क्या है आपकी? आंखें, सबसे कीमती चीज। और आंखों की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं? देखकर आंखों की रक्षा होती है क्या? आंखों को आप ठंडे पानी से धोना चाहिए, ठंडे पानी के छींटे डालने चाहिए। कभी भी कम लाइट में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि अगर लाइट बहुत डिम है और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? आंखों को नुकसान होता है, उससे आंखों को क्या होता है? बहुत कम लाइट है, शाम का टाइम है, लाइट भी आपकी बहुत धीरे धीरे से जल रही है और आप उसमें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। चलती हुई बस में अगर आप पढ़ते हैं उससे भी आपकी आंखों को नुकसान होता है। क्या होता है? बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करते हैं और उससे क्या होता है आपकी आंखों को? थक जाती हैं आंखें, आंखों को आराम की जरूरत होती है। तो थोड़ी देर आप आंखों को आराम दीजिए, आंखों को अच्छे से साफ रखिए, आंखों में गंदी उंगली या तिनके विनके ये सब नहीं डालने चाहिए। काजल, सुरमा जो भी आप डालती हैं, सिर्फ आप अपना ही यूज करेंगे, किसी और का नहीं, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। कभी भी आंख में कुछ गिर जाए तो उसको मसलना नहीं चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है? आंख में अंदर वो छिल सकता है, आपका जो ये आंख के अंदर वाले अंग हैं वो इतने कोमल होते हैं, क्योंकि उसमें वो जो पानी होता है उसकी वजह से आंख चिकनी होती है। तो आप आंख को बंद और खोल सकते हैं, ये जो पलक है ये आपकी आंख की रक्षा करती है। तुरंत कुछ चीज पड़ने वाली हो तो पलक ऐसे हो जाती है, तो ये जो मूव करती है ऊपर नीचे, जो घूम सकती है, आपकी आंख बंद हो सकती है, वो किस लिए हो सकती है? क्योंकि उसके अंदर एक तरल पदार्थ है जो आंख को चिकना बनाता है, ठीक है ना। तो अगर उसमें कुछ गिर गया और आपने उसको मसल दिया तो क्या होगा? आंख में वो अंदर से कट जाता है और खून निकलने लगता है, इसलिए कभी मसलना नहीं चाहिए। साफ रुमाल से, साफ कपड़े से आंखों को पोंछना चाहिए, ठीक है। भगवान ने पलकें बनाई है और पलकों के ऊपर बाल बनाए, क्यों? आंख को, आंखों की रक्षा करने के लिए। ये जो बाल होते हैं इससे क्या बंद हो जाता है, तो मिट्टी भी नहीं जा सकती अंदर, होता है ना। ये क्यों बनाई है भगवान ने? भवे, अरे वाह क्या सुंदरता है। पुराने जमाने में जो खूबसूरत औरतें होती थी उनकी भवें होती नहीं थी, साफ होती थी, तो क्या वो खूबसूरत नहीं होती थी? मोनालिसा सबसे खूबसूरत औरत मानी जाती थी, उसकी भवें नहीं, आप पिक्चर देखो बिल्कुल साफ। क्यों होती है भवें? भगवान ने क्यों बनाई है? कुछ सोच के तो बनाई है हर चीज। हाँ तो और बाल क्यों बनाई है? भगवान भी साफ कर देता पूरा माथा सफेद, कुछ चक्कर ही नहीं होता, जानते हैं क्यों? ये जो आपका माथा ऊंचा है फिर आंखें अंदर हैं, तो जब आप गर्मी में काम करते हैं पसीना आता है,
पसीना आता है, अगर भवे ना हो, कुछ बदबू आ रही है किस चीज की? जलने की बदबू आ रही है, खतरा देखा क्या आया आपको? खतरे की घंटी, क्या कुछ जल रहा है, बंद करो। क्या जल गया? ओहो, आई स्मेल। तो ये किसने आपको सावधान किया? नाक ने, क्योंकि आप तो यहाँ अपने काम में व्यस्त हो गए। तो किस ज्ञानेंद्री ने आपकी मदद करी? नाक ने। आइए बैठिए। भवे आपके क्या कहती, जब आप गर्मी में काम करते हैं तो जो पसीना आपको यहाँ आता है वो सीधा आपकी आंख के अंदर ना जाए, उसके लिए भगवान ने क्या बनाई है? भवे बनाए। तो वो पसीना यहाँ रुक जाता है और अगर टपकता है तो धीरे धीरे गिर जाता, आंख के अंदर नहीं जाता। समझ आया? आप नाक को बचाने के क्या उपाय? नाक को अच्छे से साफ रखना चाहिए और नाक के अंदर उंगली भी नहीं डालनी चाहिए और कुछ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि नाक, और आपको मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए। क्यों? भगवान ने नाक में छोटे छोटे से रोएं बनाए हुए, बाल हैं, जिससे आपकी हवा जो जाती है अंदर वो क्या जाती है? छन कर जाती। कैसे जाती है? छन कर जाती है और कीटाणु सब यहीं रह जाते। मुंह से सांस लेंगे तो वो सांस छनेगी कैसे? वो हवा छनेगी थोड़ी, सब कीटाणु भी अंदर जाएंगे। समझ गए? मुंह साफ करना आपको पता है, टेस्ट, आपकी टंग साफ होनी चाहिए, त्वचा भी साफ होनी चाहिए। त्वचा की रक्षा हम कैसे करते हैं? नहा के और उसको साफ रख के, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है ज्ञानेंद्रियां और उनकी देखभाल, याद रखेंगे। थैंक यू।